एग्री स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि बताइए जरा कि एग्री स्टैक है क्या, तो बहुत ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो सरकार जो है गाइस काम कर रही है डिजिटल स्टैक के ऊपर, एग्रीकल्चर डेटा सेट के, और किस चीज के लिए, अपने लैंड रिकॉर्ड्स के पर्पस के लिए। मतलब कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में कि सरकार जो है वो एक डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने पर फोकस कर रही है, काम कर रही है, राइट। और ये सेंट्रलाइज्ड स्टैक होने वाला है, ये उपयोग करेगा ओल्ड और इनएक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स को, ऐसे पुराने जो भूमि अभिलेख जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनका उपयोग जो है वो करेगा, जो इनएक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। मतलब कि जो ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स है जो गलत है, राइट, तो उनका जो है वो उपयोग करेगा, उनको जो है वो ठीक करने का जो है वो काम करेगा, करेक्ट करने के लिए जो है वो फोकस किया जा रहा है, राइट। फार्मर का पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल इसके अंदर होगी, इसका उपयोग किया जाएगा। और बताया जा रहा है कंसर्न वाली बात, चिंता वाली बात यही है कि सेंटर के पास जो इतना सारा डेटा होगा वो उस समय डेटा, और वो भी डिजिटलाइज डेटा, ये इस समय पर सेंटर कलेक्ट कर रही है जिस समय पर हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। तो चिंता वाली बात यही है कि काफी सारी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होंगी उन तक अगर ये डेटा चला जाता है तो फार्मर्स की पूरी डिटेल्स होगी, उनकी लैंड रिकॉर्ड की डिटेल, उनकी फाइनेंशियल डिटेल पूरी की पूरी एक प्राइवेट कंपनी के पास जा चली जाएगी, और हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी उनको एक्सप्लॉइट भी करे इन डेटा का उपयोग करते हुए, राइट। क्योंकि अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे पास नहीं है, और इस दौरान इस प्रकार से जो डेटा है उसको अगर आप बनाओगे, तैयार करोगे, रखोगे, तो इसका गलत उपयोग जो है वो किया जा सकता है। और रूरल एरियाज के पास लो लेवल है हम लोग को डिजिटल लिटरेसी का देखने को मिलता है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि एग्री स्टैक एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो अभी तक आपको सिंपल शब्दों में सब समझ में आ गया होगा एग्री स्टैक क्या है। सिंपल सी चीज ध्यान में रखना कि लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइज्ड वर्जन एग्री स्टैक, राइट, कि एग्रीकल्चर स्टैक्स मतलब कि डिजिटलाइज वर्जन किसका, लैंड रिकॉर्ड्स का, जो भी भूमि वगैरह जो है, कितनी भूमि है, उसका क्षेत्रफल कितना, एरिया है कितने स्क्वायर फीट की है, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक भूमि से रिलेटेड आप डिजिटलाइज कर रहे हो, उस चीज को एग्री स्टैक कहा जा रहा है, राइट। या फिर एग्रीकल्चर डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म आप ये कह सकते हो, या डेटा, डेटा को प्लेटफॉर्म मत करो, डेटा को, कि डेटा ये हम लोग को देखने को मिल रहा है या रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, डिजिटलाइज रिकॉर्ड। तो एग्री स्टैक है क्या, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई एग्री स्टैक के बारे में। अब थ्योरेटिकली इसको हम समझ लेते हैं। तो एग्री स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेस, जो मैंने भी आपको समझाया, एक डेटाबेस है, डिजिटल डेटाबेस, डिजिटल रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। इसे प्रपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और फोकस किया जा रहा है इंडिया के फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा जो डेटा है उसको डिजिटलाइज करना है और सेंट्रलाइज बनाना है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए पूरा पूरा इंडिया का नेशनल डेटा, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड का, किसानों की फील्ड का, राइट, पूरा डेटा जो है वो डिजिटलाइज करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाए। तो ये कलेक्ट करना डिजिटल डेटाबेस को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये जो नया डेटाबेस जो होगा, जो बनाया जाएगा, ये काफी सारे जो मुद्दे हैं, जैसे कि किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा, राइट, वेस्टेज से रिलेटेड मुद्दा है कि एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में जो वेस्ट हो जाता है, कई बार किसान जो है वो प्रोडक्शन करते हैं बट उनका जो प्रोड्यूस होता है वो वेयर हाउस में पड़ा रह जाता है, उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा, बड़े बड़े वो चीज खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, राइट। तो ऐसी चीजें ना हो उसमें जो है वो ये हेल्प करेगा, क्योंकि डेटाबेस रहेगा तो डेटाबेस से आप तुरंत जो है वो सामान को जो है वो शिफ्ट करा सकते हो। देख रहे हो कि कहीं पर सरप्लस में सामान है किसी किसान के पास, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में एक पर्टिकुलर सामान जो है प्रोड्यूस है वो सरप्लस में, तो तुरंत आप उसको टारगेट करके वहां से शिफ्ट करवा सकते हो जहां पर भी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। और फीचर्स और सिग्निफिकेंस क्या हम लोग को इस एग्री स्टैक के देखने को मिलेंगे, तो एग्री स्टैक के अंडर सरकार का मेन एम ये है कि रिक्वायर्ड डेटा सेट प्रोवाइड कराना, फार्मर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन को माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड कराना, जिसके तहत माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डेवलप करे फार्मर इंटरफेस फॉर स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। तो कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि सरकार जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड कराएगी, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा जिसमें पूरा का पूरा, मतलब हमारी पूरी जो कंट्री है, तो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, किस किसान के पास कितनी भूमि है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, और स्मार्ट और वेल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश करेगी, सेटअप करेगी माइक्रोसॉफ्ट। अब ये डिजिटल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब आपको पता है कि ये डेटा सेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में कलेक्शन डेटा।
तो ये डिजिटल डेटा कलेक्शन जो है, डिजिटल रिपोजिटरी जो है, वो हेल्प करेगी सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडीज के लिए, मतलब कि जिन लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिन किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की अगर हम बात करें, राइट, या वल्नरेबल जो किसान हम लोग को, फार्मर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, तो उन्हीं तक जो है वो सब्सिडी का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हीं को ही बेटर सर्विसेज दी जाएगी, उन्हीं को ही पॉलिसीज दी जाएगी, मतलब टारगेटेड बेनिफिशियरी अप्रोच के लिए ये डेटा काम करेगा। इस प्रोग्राम के तहत हर एक फार्मर जो हमारी कंट्री का है उसे एक आईडी दी जाएगी, जिसे एफआईडी कहा जाएगा, यानी कि फार्मर्स आईडी कहा जाएगा, जिसे लिंक किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स के साथ, जिससे कि उसकी आईडी उसकी जमीन से जो है वो लिंक हो जाएगी, फार्मर की आईडी उसकी जमीन से। और इंडिया के पास 140 मिलियन ऑपरेशनल फार्म लैंड होल्डिंग हम लोग को देखने को मिलती है, 140 मिलियन, राइट, तो इतनी ज्यादा मात्रा में जो है वो आईडीज क्रिएट की जाएंगी, जिससे कि आप जो है वो तुरंत के तुरंत नेशनल लेवल पर जो है वो रेगुलेट कर सकोगे और हर एक किसान जो है उस तक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करा सकोगे नेशनल लेवल पर। बट बात यही है कि इससे का मतलब जो होने वाले जो नुकसान है वो भी काफी ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो लार्जेस्ट सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि आज की डेट में टेक्नो सॉल्यूशनिज्म की तरफ जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी इस सेक्टर के अंदर लेकर आ रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि आपने पिछले कुछ महीनों में भी देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है, काफी सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, राइट। और लेटेस्ट सेक्टर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका पूरा का पूरा जो डिबेट जो आज की डेट में चल रहा है वो डेटा प्राइवेसी और सर्वेलांस से रिलेटेड चल रहा है, क्योंकि आप किसानों का डेटा जो है वो ले रहे हो, और उन लोगों का आप डेटा जो है वो ले रहे हो जिन लोग को डिजिटल लिटरेसी है ही नहीं, जिन लोग को पता ही नहीं है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनसे आप जो है वो डेटा ले रहे हैं, राइट। जैसे कि कल को अगर कुछ होता है तो बेचारे वो फाइट भी ना कर पाए या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट भी ना कर सके, अगर वो किसी प्रकार के फ्रॉड में अगर फंस रहे हैं तो, क्योंकि फ्रॉड में कौन फंसता है, वो व्यक्ति फंसता है जिसको अवेयरनेस नहीं है, वो व्यक्ति फंसता है जिसको लोग भाई जिस जैसे कि फॉर एग्जांपल कल को अगर आपको कोई कॉल करे और बोले कि आपकी जो है वो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ताली वाली मारने लगे पीछे से 4-5 लोग, आपको लगने लगे अरे वाह वाकई में मेरी जो है वो लॉटरी लग जाएगी, आपको कभी नहीं लगेगा, बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और एक चीज याद रखना, आपको अगर कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात करे तो ये याद रखना कि कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ना कुछ चीज तो लेगा ही लेगा, तो कभी भी उस चक्कर में मत पड़ना, राइट, कि कोई यहाँ कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, ये चीज आप याद रखिए। लाइफ में फोकट में किसी का भी कुछ नहीं होता है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तब जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपको फ्री फोकट में सिलेक्शन नहीं मिलता। जो भी लोग फ्री फोकट की चीजों में आगे भगते हैं उनका आप देखिएगा हमेशा नुकसान होगा, फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलता है, राइट, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आपको जो काफी सारे जैसे कि अपन ही बात करें, जैसे कि आप जो ये मेरा लेक्चर जो है वो कवर करते हैं, सुनते हैं, राइट, तो ये आपको क्या लगता है कि ये फ्री में नहीं, आपने भी इसकी कॉस्ट जो है वो चुकाई है, कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट जो है वो आपने चुकाई है, तब जाकर ये लेक्चर जो है वो आपको मिल रहा है। कहीं पर भी कोई भी चीज फ्री में अवेलेबल नहीं है, राइट, जैसे कि YouTube पर काफी सारी चीज आपको लगता है कि फ्री में अवेलेबल है, उसमें भी एड्स पीछे रहते हैं, राइट, उसमें भी इंटेंशन जो होता है वो किस तरीके का होता है, एड रेवेन्यू जनरेट करने का होता है, राइट, पहला पॉइंट, बट एड रेवेन्यू से उतना कुछ मिलता नहीं है। बट दूसरा इंटेंशन क्या होता है कि अपने लेक्चर्स के माध्यम से लोग अपने कोर्सेज को जो है वो सेल करते हैं, वो एक एडवर्टीजमेंट का जरिया होता है, राइट, तो कुछ भी चीज फ्री में अवेलेबल नहीं है, उस भ्रम में मत रहो, और अपने आप को हमेशा इस चीज को प्रैक्टिकलिटी के साथ लिंक करो, राइट। मैं तो खुद एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद आपको इस चीज की रियलिटी बताता हूँ, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाएगा, आप खुद है जो आप अपनी खुद की मेहनत करेंगे तब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ आपको उस ट्रैक पर लेकर रखेंगे, उस ट्रैक पर रखेंगे जिस ट्रैक के पर चलकर आप जो है वो सिलेक्शन हासिल कर सकें, बस आपको ट्रैक पर रखने का उनका काम होगा, बाकी पढ़ने का काम, मेहनत करने का काम आपका होगा। आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर पूछो कि यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो आपकी उस चीज में हेल्प कर देंगे, राइट, बट पढ़ना आपको है, टाइम आपको देना है, इन्वेस्ट आपको करना है, राइट। अगर आपको कल को कोई फोन करके बोलता है कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई, चलो आपकी 5000 की लॉटरी लग गई, कोई आपको बोल देगा ना तो भी मत मानना, राइट, लग गई बोले तो बोल देना कि भाई ट्रांसफर कर दे यार, मैं अपना अकाउंट नंबर तुझे सेंड कर देता हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लोग आपसे बात करेंगे, बोलेंगे कि अच्छा आपकी लॉटरी लग गई, फिर आपको इतने रुपए देने हैं, ये करना है वो करना है, सब उलझन वाले काम है, इन सब उलझन में मत पड़ो, किसी चीज की उलझन के चक्कर में मत पड़ो, आपका काम ही नहीं है आज की डेट में उलझन में पड़ना। उलझन में पड़ोगे, ख्याल में रखोगे अरे यार मुझे तो अभी 10 लाख मिल जाए तो मैं क्या कर लूंगा, कौन सी गाड़ी खरीद लूं या कौन सा क्या कर लूं, तो बस वो ख्याल ही में चले आओगे, अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। तो ये सब फालतू चीजों में इन्वॉल्व मत हो, ये टाइम नहीं है आपका फालतू चीजों में इन्वॉल्व होने का, राइट।
चलो आते हैं टॉपिक पर। तो एग्रीकल्चर जो है वो लेटेस्ट सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर टेक्नो सोल्यूशनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत बुरी तरह से डेटा प्राइवेसी और सर्विलांस के इशू या डिबेट्स में जो है वो उलझा हुआ है, क्योंकि यहां पर ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनको आइडिया ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, राइट, डिजिटल लिटरेसी की। और हम लोग को एमओयू देखने को मिल रहा है, बहुत चिंता वाली बात जो है वो ये है कि फार्मर्स का डेटा जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है वो शेयर हो सकता है, और उसके तहत प्राइवेट कंपनी जो है, और सीरियस कंसर्न वाली बात यही है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने बेनिफिट के लिए उनका डेटा जो है वो कहीं और शेयर कर देंगी, या फिर उनका डेटा का उपयोग करते हुए उनके साथ जो है वो लूटपाट भी हो सकती है, उनकी जमीन भी जो है वो मतलब उनके साथ फ्रॉड करके उनकी जमीन जो है वो छीन ली जा सकती है उनके डेटा का इस्तेमाल करते हुए, राइट। तो ऐसी चीजें भी होती है, फ्रॉड फ्रॉड लोग जो होते हैं वो बहुत सारे मतलब चीजों को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब लूपहोल्स को वो चेक कर लेते हैं, जिसके माध्यम से सामने वाले को जो है वो कंफ्यूज करेंगे, उलझाएंगे, फंसाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उसकी जमीन छीन लेंगे। ऐसा होता है यार, राइट, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। अब डेवलपमेंट जो ये हो रहा है उसके कारण काफी सारी चिंता जो है वो व्यक्त की गई है, सीरियस कंसर्न्स उठाए गए हैं, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड, कंसेंट से रिलेटेड, मिसमैनेजमेंट लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो इन्वॉल्व हो गया, या कॉर्पोरेट सेक्टर ने एग्रीकल्चर को जो है वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में अगर कर लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि किसान की दुर्गति हो जानी है, क्योंकि किसान के पास फिर ओनरशिप नहीं रहेगी, वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो जैसा बोलेगा किसान को वैसा उसको जो है वो करना पड़ेगा, जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है। ये पूरा कैपिटलिज्म का गेम है। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर कैपिटलिज्म अगर आ जाता है, इसलिए तो 3 फार्म बिल जो है वो क्यों पास नहीं हुए, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को देखने को मिला किसानों को, देखो चीज उसके अंदर थी अच्छी, प्रोज उसके अंदर थे बहुत सारे, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर किसानों को सबसे बड़ा डर ये था कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो उसके अंदर अप्लाई ना हो जाए, कैपिटलिस्ट जो है वो उसके अंदर आना जाए, इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि एक बार अगर कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व हुए तो किसानों के लिए आफत हो जाएगी, किसान जो है वो उनके चंगुल में जो है वो फंस जाएंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कॉन्ट्रोवर्शियल उस फार्म बिल्स के अंदर, तो जिसके थ्रू किसानों को एक ही चीज समझ में आ रही थी कि अरे यार इसके इसमें अगर हम चले जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस हैं, जैसे सरकार जो है वो प्रमोट कर रही थी एग्रीप्रेन्योर, राइट, आपको पता होगा इस चीज के बारे में, एंटरप्रेन्योर का जो शब्द है एग्रीप्रेन्योर, कि एग्रीप्रेन्योर बन जाएंगे किसान वगैरह, बट एक्चुअली में वो किसान नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा जो कि किसान को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेगा, राइट, कोई और एंटरप्रेन्योर होगा जो कि किसानों को अपने अंडर जो है वो रख लेगा और पूरा प्रॉफिट जो है वो ले जाएगा, और किसानों को एज अ सैलरी के तौर पर जो है वो काम करने को मिलेगा, वो किसानों को एज अ सैलरी के तौर पर रख लेगा, किसान की खुद की जमीन, खुद के क्रॉप्स, खुद की मेहनत, बट वो किसी के अंडर चला जाएगा। तो दिस वॉज ये एक चीज हो जाती। तो ऐसा उसके अंदर कौन से हम लोग को देखने को मिलते, उसके अंदर डीमेरिट्स हम लोग को देखने को मिलती, इसलिए तो वो बिल पास नहीं हुए। तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और जो ये फॉर्मेशन है ये बनाया जा रहा है एग्री स्टैक्स को, राइट, तो इसके तहत कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा एग्रीकल्चर का, राइट, और एग्रीकल्चर से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है तो सब कुछ कमर्शियलाइज है वो हो जाएगा। अब कमर्शियलाइज का होने का मतलब सीधे सीधे जो फूड क्रॉप्स है, रॉ मटेरियल जो है वो महंगे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये सब कंसर्न है, ये सब इश्यूज हैं जो उभर कर आ रहे हैं। तो ऐसी कंसर्न जो है वो है क्या, ऐसी चिंता जो है वो क्यों है? तो प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये उस समय इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिस समय हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ही नहीं, और इसके कारण जो प्राइवेट डेटा प्रोसेसिंग एंटिटीज होंगी, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो इस प्रकार से डेटा का उपयोग करती है और वो दूसरी कंपनीज वगैरह को सेल करती हैं, लिंक करने का काम करती हैं, तो ये बिना फार्मर की कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के, या उसको पता भी नहीं होगा फार्मर को, और उसका डेटा जो है वो किसी और के पास होगा, और इतना ज्यादा डेटा जो कि उसको स्वयं को खुद को ना पता हो, राइट, और किसी प्रकार का सेफ गार्ड नहीं है, प्राइवेट एंटिटी जो होगी ये एक्सप्लॉइट करेगी फार्मर के डेटा को, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो जाएगा। और हालांकि इस प्रकार की डेटा की आवश्यकता भी इसलिए है आज की डेट में, ये वाली चीज तो हमने बात कर ली कि कौन की डीमेरिट्स की, कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बट जरूरत भी है एग्री स्टैक की, इस प्रकार से डिजिटलाइज जो होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए, जो डेटा रिकॉर्ड, जो रिपोजिटरी जो बननी चाहिए, डिजिटल रिपोजिटरी, वो इसलिए बननी चाहिए क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी ऑफ फार्मर जो हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। कई बार उन तक ना लोन पहुंच पाता है, ना सरकारी सेवाएं पहुंच पाती हैं, बट अगर एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, सेंट्रलाइज नेशनलाइज रिकॉर्ड होगा, तो इससे फायदा जो है वो मिल सकेगा टारगेटेड बेनिफिशियरी तक पहुंचने के लिए, राइट। इसके अलावा ये न्यू प्रपोज डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज और प्रोग्राम्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, राइट, तो ये सब प्रोग्राम जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो टारगेटेड लोगों तक जो है वो पहुंच सकेगी,
राइट, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक पहुंच सकेगी जो कि जनरली नहीं पहुंच पाती है। तो इससे फायदा होगा, किसान की फार्म ईल्ड जो है वो इंप्रूव होगी, उपज जो है वो उसकी बढ़ेगी, राइट, फार्मर्स की इनकम जो है वो बढ़ेगी। तो ये सब चीजें, इसके फायदे भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, बट इसके नुकसान आज की डेट में काफी ज्यादा है, राइट। तो ये था गाइस एग्री स्टैक से रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी।